ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टा लगवाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जम्मू और तेलंगाना के रहने वाले हैं और ग्वालियर के तानसेन नगर इलाके में किराए पर फ्लैट से सट्टा संचालित करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप, राउटर्स और ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा सामान बरामद किया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को लंबे समय से लोटस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टा लगवाने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि हजीरा थाना क्षेत्र से यह सट्टा लगाया जा रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने फ्लैट से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता लगा है कि यहां ग्वालियर का रहने वाला करण राठौर फ्लैट किराए पर लेकर ऑनलाइन सट्टा लगाता था, वही इस पूरे गिरोह का मुखिया बताया गया है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही मुख्य आरोपी करण राठौर की तलाश में लगी है। ये तानसेन नगर क्षेत्र है, उधर एक फ्लैट में ऑनलाइन सट्टा एक करण राठौर नामक व्यक्ति द्वारा चला जाने का सूचना मिला था मुखबिर द्वारा और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा। एसपी साहब के आदेश से टीआई क्राइम ब्रांच अजय पवार और सब इंस्पेक्टर रमाकांत उपाध्याय के नेतृत्व में टीम बना के उस फ्लैट पर रेड किया था। उधर रेड के दौरान पांच व्यक्ति मिला था। करण राठौर उपस्थित नहीं था, बट पांच व्यक्ति वहाँ पे विविध लैपटॉप और कंप्यूटर्स यूज़ करते हुए दिख गया था। फिर वो कंप्यूटर चेक किया तो उसके ब्राउज़र में लोटस 360 जैसे बेटिंग ऐप खुला था, उसके माध्यम से ये ऑनलाइन बेटिंग ऑनलाइन गेमिंग पे सट्टा लगाकर काम करवाना पता चला। पांच आरोपी मौके से पकड़ा गया है, उनमें से 4 लोग जम्मू एंड कश्मीर का है और 1 तेलंगाना का है, और जो लोकल का व्यक्ति है करण राठौर वही इसका मास्टरमाइंड है, वो अब फरार है, उनके ऊपर अब तलाश जारी है उनके लिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।